राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े थे। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिग्पालों कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्भ की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते थे। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गया। बारी बिनु जो तनु क्या गा
जहाँ तहाँ नर नारी भंजे उरा